गुड मॉर्निंग सबको। तो अभी सुबह के 6:15 बज रहे हैं और आज हम सुबह सुबह अपने गांव वाले खेतों में आ गए हैं। हम यहाँ पे खेतों की जुताई कर रहे हैं और हरदीप तो आज ना सुबह यहाँ पे 5:30 बजे पहुँच गया था। आगे आगे भेज दिया था मैंने इसको। मैंने बोला कि चल सुबह सुबह जुताई कर लेंगे हम। वैसे शाम को जुताई करनी शुरू कर दी थी हमने, तो शाम को ट्रैक्टर पहुँचाया था खेतों में और यहाँ पर एक खेत की जुताई शाम को कर दी थी हरदीप ने। और यहाँ पे हमारे खेत में घास उगी है इतनी ज़्यादा ना, 3 खेत हैं हमारे यहाँ पे, तो 2 खेतों का घास तो हमने काट लिया है। लेकिन यहाँ पे ये रहा हमारा 3रा खेत, काफ़ी बड़ा बड़ा घास हो गया था इसमें, तो जुताई करने का कोई साधन नहीं बचा था मतलब घास की वजह से। तो सुबह सुबह हम बकरियों को भी यहाँ पर लेके आ गए हैं, तो ये वाला खेत बचा है हमें अभी खाली करने को। और ये ऐसे हो गए हैं जैसे बंदर होते हैं ना, क्योंकि इनमें हमने गेहूँ नहीं बीजी थी, बस ऐसे जुताई की थी हमने इनमें 5-6 महीने पहले, तो तब भी घास इतनी ज़्यादा उगी हुई है ना, अभी काटने को मुश्किल हो रही है, तो छोटी छोटी है। और दुर्बा घास भी उगी है बहुत ही ज़्यादा, वो तो खेतों को बंदरी बना देती है। और इतने जल्दी आ गए हैं हम ना आज सुबह सुबह, तो ब्रेकफास्ट भी किया है हमने। वो हमने बोला कि पहले यहाँ पे खेतों का काम कम्प्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ही घर में जा करके फिर ब्रेकफास्ट करेंगे और बनाएँगे भी और खाएँगे भी। ये देखिए यहाँ पर घास कितनी है, तो बकरियों को भी चरने के लिए बढ़िया घास है यहाँ पर। फिर इसको बांध लिया है रस्सी से, ये भाग रही है इधर उधर को, क्योंकि ऊपर नीचे लोगों के खेत है ना। तो अभी 7:50 हुए हैं, तो हमने यहाँ पे खेत खाली कर लिए हैं और जुताई का काम भी अभी हमारा कंप्लीट होने ही वाला है। तो यहाँ पे 30 खेत की जुताई हो रही है और यहाँ पे एक छोटा सा खेत ये है, यहाँ पे पांगू है, ये पांगू बोलते हैं हम, बहुत ही छोटा सा है ये। और अभी थोड़े थोड़े बादल भी आने लग गए हैं आसमान में, ये देखिए। और अभी 8 बजे को बारिश बताई थी, तो सुबह तो बादल गरजने लग गए थे, 5 बजे को ही बादल गरजने लग गए थे, तो तब आए थे हम जल्दी जल्दी। हमने बोला कि चलो जल्दी से खेतों की जुताई कर लेते हैं, और अभी अगर बारिश लग भी जाए ना तो अच्छा है, हमने यहाँ पे जुताई तो कर ली है। अगर बारिश होगी तो यहाँ पे जो भी घास वगैरह है ना, तो वो सड़ जाएगी, धूप लगेगी तो वो सूख जाएगी, बारिश होगी तो वो सड़ जाएगी। और चलो इतना है कि हमारा ना ये दूर के खेत हैं, इनकी जुताई हो गई है आज, और अभी फिर से जुताई करनी है हमें इनकी, 2-3 बार जुताई करनी होगी हमें इनकी, क्योंकि ये बंदर जैसे ही हो गए थे, तो इनमें धान लगाने हैं हमने ना इस बार, तो तब इनको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि अपना ट्रैक्टर जो है अभी, अपने ट्रैक्टर का यही तो फायदा होता है कि अच्छे से मिट्टी बनाएंगे खेतों में। टिंपू आ, टिंपू तो अभी 8:20 हो गए हैं, तो अभी हमने ट्रैक्टर बंद कर लिया है। तो सुबह आए थे तो ट्रैक्टर तो हरदीप ने जोत लिया था मेरे ख्याल से 6:45 को, और 6 बजे लगाया हरदीप बोल रहा है, तो 8:15 पे बंद किया है इसने शायद, 8:10 या 8:15 पे बंद किया है इसने, काफ़ी टाइम लग गया। ये घास तो थी ज़्यादा ना, तब लगा हमें ज़्यादा टाइम, तो अभी हम चल पड़ेंगे यहाँ से घर को। और बकरियों को भी हमारी को प्यास लग गई है, तो ले जाएँगे अभी इनको भी घर में, और जल्दी फर्क हो गए जल्दी आए थे तो। तो अभी 9:45 हैं और हम अपने घर में पहुंच गए हैं, और अब तो धूप लगी है तेज़ और पसीने से भी हालत ख़राब हो गई है। तो अभी बकरियों को भी बांध लिया है मैंने अंदर, अब जल्दी से पहले तो खाना बनाएंगे, अभी भूख भी लग गई है हमें, और मिलते हैं आपसे बाद में। अभी नहाना भी है, बुरे हाल हो गए हैं गर्मी से, और अभी बाहर मौसम ख़राब होने लग गया है, तो ये देखिए हवा चलने लगी है कितनी तेज़, ये देखिए पेड़ कितने दूर दूर से हिल रहे हैं, बादल भी गरज रहे हैं, और आसमान तो बादलों से ढक गया है सारा ही।
और यहाँ पे ना लंगूर आए थे आज, तो उन्होंने यहाँ पे पेड़ पे से टहनियाँ गिराई है। ये देखिए, ये तो सूख भी गई है, शाम की गिराई है, इस पेड़ पर से गिराई है ऊपर से। और वहाँ पे नाशपाती का पेड़ है ना, तो वहाँ पे नाशपाती भी खाई आज उन्होंने। और अभी तो हवा चल रही है, अभी तो ये हवा ही गिराएगी इनसे नहीं तो ऊपर से। तो अभी दिन के 4:15 बजने लगे हैं और मौसम हुआ है इतना ख़राब ना, तूफान आ रहा है इतना तेज़, पेड़ पौधे भी इतने हिल रहे हैं दूर दूर से, बारिश की भी हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी है। पर अगर बारिश ही हो जाती तब तो अच्छा था, ये हवा तूफान ना आई हो तभी अच्छा है। और आज के इस तूफान से यहाँ पे हमने ये जो टेम्परेरी सेट बनाया है ना, तो ये हमारी चादरें यहाँ पे उड़ने लग गई है, तो इनके ऊपर हम यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह रख रहे हैं ताकि ये उड़े ना तूफान से। नहीं बहुत जोर से आ रहा है, अभी 4-5 दिनों में मौसम जब जब भी ख़राब हुआ ना तो तब तब ऐसे ही तूफान आया। यहाँ पे बारिश तो हुई नहीं लेकिन तूफान ही आया हर बार, जितनी बार भी मौसम ख़राब हुआ तो। और हमारे यहाँ पे तो अगर थोड़ी देर भी हवा चलती है ना तो ये हालत हो जाती है। ये देखिए पीछे को आंगन में चीड़ की पत्तियाँ और उस तरफ से घास भी उड़ करके आता है, वहाँ पर हमारे पशुओं का आंगन है तो पशुओं का घास उड़ करके हवा से सारा इस तरफ को आ जाता है, पूरे घर में कचरा ही कचरा फैल जाता है हमारे जब ऐसे तूफान आता है तो। ये देखिए अभी झाड़ू लगाई थी थोड़ी देर पहले तो उतने को फिर से ऐसी हालत हो गई हल्की, तो आखिरकार बारिश लग ही गई है हल्की हल्की। ये देखिए अभी हमारा आंगन भी गीला हो गया है और बहुत ही ज़रूरत थी बारिश की तो, पर अगर हो जाती ना, अभी तो थोड़ी सी हुई है मतलब बाल्टी भर पानी की गिर गई है नीचे, पर अगर ज़्यादा हो जाती ना तो धरती भी तृप्त हो जानी थी बारिश से और गर्मी से भी थोड़ी सी राहत मिल जानी थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। बादल तो कितने ज़ोर ज़ोर से गरज रहे हैं, इतनी ज़ोर की बारिश हो जाती ना तो मज़ा आ जाना था तब तो। और आज हमारा काम ना बहुत ही अच्छे से निकल गया, जो कि हम सुबह सुबह खेतों में गए थे, खेतों की जुताई की ना हमने, तो अगर सुबह सुबह ना गए होते ना आज तो पता नहीं फिर कितने दिनों तक रह जानी थी हमसे खेतों की जुताई। एक तो खेत भी थोड़ा सा दूर है ना वो गांव में, पर चलो दूर का काम तो निपटा हमारा अच्छे से। और आज ये जो बारिश लगी ना तो इस बारिश से हमारी मक्की और जो हमने धान बीजे है ना वो भी अच्छे से ग्रो करेंगे। मक्की तो अभी हमारी उतनी अच्छी उगी नहीं थी, थोड़ी थोड़ी उगने लगी थी, आज बारिश हो रही है तो तब दिखाऊंगी मैं कल तक आपको कि मक्की हमारी कैसी उगने लगी है। अभी बारिश तेज गिरने लगी है तो अच्छा है, हो जाए अच्छे से बारिश आपको। ये देखिए अभी बाहर ना बारिश दिख रही है, अभी थोड़ी देर पहले तो बाहर ना हवा तूफान ही चला हुआ था काफ़ी, लेकिन अभी लगी है बारिश। और बारिश को देख करके आज इतनी खुशी हो रही है मुझे ना, मेरा तो नाचने को मन कर रहा है कि बाहर जा करके नाचे थोड़ी देर, गर्मी से बुरे हाल हो गए थे। तो इतना ही था आज की वीडियो में और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।